हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है ग्रामर पर आधारित है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर है। इसमें जो है टेंथ और ट्वेल्थ इनके लिए जो है इम्पोर्टेंस जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो एक्सरसाइज हैं उस पर हम ध्यान देंगे, या ये कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, और जो है आप जो है इसके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखेंगे हम, अभी हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं और आप जो है इसको नोट कॉपी पर लिखते रहेंगे। सो देखते हैं किस प्रकार हम इसको आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, पहला सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब इस पर विशेष ध्यान देंगे हम, आपको जो है सेंटेंस दे रहे हैं और सेंटेंस को आपको कैसे हल करना है या इसको कैसे कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से जो है इनडायरेक्ट में, इस पर विश्वास इस पर जो है ध्यान देंगे। सो पहला देखेंगे हम, जैसे मान लेते हैं राधा शेड आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इस पे ध्यान देना, देखिए हमने कहा है कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहां से लेकर के ये रिपोर्टेड स्पीच है। आपको पंक्चुएशन में बताए गए हैं कि जो इन्वर्टेड कामा में क्वोटेशन मार्क में जो रहता है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहता है वो कथन होता है। इसके बारे में हम अच्छी तरीके से आपको बता चुके हैं। तो अब इसको हम कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर चूंकि और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये और ये ध्यान देंगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, ये आपका क्या है, ये आपका जो है असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस कितने होते हैं, टू काइंड्स होते हैं, कौन कौन से होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मार्केट जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और किसका है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो जब हम इसे जो है कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, देखिए राधा शेड, अब देखिए यहाँ पर जब इसको हटाएंगे कामा को और इन्वर्टेड कामा को, जब जोड़ेंगे हम दोनों को, तो यहाँ पर हम दैट जो है कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, दैट दैट। अब ध्यान देना है कि आई जो है अब रिपोर्टेड स्पीच का जो कर्ता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के जो है कर्ता और कर्म के अनुसार चेंज होंगे, कर्ता और कर्म के अनुसार चेंज होंगे। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि ये जो आई जो है ये जो है फर्स्ट पर्सन का कर्ता है, और जो फर्स्ट पर्सन का कर्ता होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार चेंज होता है। तो यहां पर आई जो है क्या हो जाएगा, सी, आई को हम किसमें कर देंगे, राधा, राधा क्या है, ये थर्ड पर्सन है, राधा क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इसके अनुसार जो है हम इसको चेंज कर देंगे। इसमें आपको बताए गए हैं कि जो सर्वनाम होते हैं उनको चेंज करना कैसे किया जाता है इनडायरेक्ट में, तो वो कैसे चेंज होते हैं, इस प्रकार से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर आई जो है वो राधा के अनुसार हो जाएगा। तो राधा क्या है, राधा एक लड़की है जिसके लिए, और ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है तो क्या करेंगे हम, इसको आई को थर्ड पर्सन में कर देंगे चेंज, तो ये हो जाएगा आपका सी।
अब देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो सी वाज गोइंग टू मार्केट, ये इनडायरेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट। और ये ऊपर का क्या आपका डायरेक्ट है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम आपको अगला सेंटेंस दे रहे हैं, श्याम शेड टू गीता। यू आर नॉट वर्किंग वेल। अब ध्यान देना है, देखिए ये आपका निगेटिव है असर्टिव में, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको कि हमने बताया है, अब इसमें देखिए इसमें जो है ये जो है सब्जेक्ट है और ये गीता क्या है ऑब्जेक्ट है। इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो है सब्जेक्ट श्याम है और ऑब्जेक्ट जो है गीता है। अब हम ये हमको जो है ये डायरेक्ट सेंटेंस आपको दिए गए हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट हो गया। अब हम इसको जब चेंज करेंगे किस में इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तो ये हो जाएगा श्याम टोल्ड गीता, टोल्ड गीता दैट। अब देखिए यू सेकंड पर्सन आ गया है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है अगर आपको प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम इस पे विशेष ध्यान देंगे। एस ओ एम फर्स्ट पर्सन देखेंगे इसको, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये जो है इजीएस्ट चाहिए तो आप इसके अनुसार से चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये ध्यान देंगे कि जो है इसको हम जितना कन्वर्ट करेंगे उतना ही आपको जो है समझ में आएंगे अच्छी तरीके से। तो इसको समझने के लिए जो है एक्सरसाइज करते रहिए। और ये जो है आपके 2 नंबर के जो है 10th में और 12th में 12 में जो है 2 प्रकार के आते हैं। तो दोनों प्रकार दो तरीके के आते हैं, या देखिए ध्यान दीजिएगा मतलब 2 नंबर के आते हैं बस। तो श्याम टोल्ड गीता दैट, आप देखिए यू जो है सेकंड पर्सन का करता है, क्या है सेकंड पर्सन का। तो जब सेकंड पर्सन का करता ये है तो हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहां पे देखिए सब्जेक्ट अगर है, यहां अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता तो वो किसके रिपोर्टिंग वर्ब के क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। मीन्स ये कहेंगे हम कि जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है वो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। मीन्स ये समझ लीजिए कि यूज अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, वो ऑब्जेक्ट के, मतलब यहां देखिए सेकंड पर्सन है। तो ये देखिए आप ध्यान देंगे आप जो है कि ये मान लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच कर लेते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच, और ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसी के अनुसार जो हम चेंज करेंगे, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो है कर्ता अगर सेकंड पर्सन का आता है, सेकेंड पर्सन का आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसके अनुसार चेंज होगा। और यदि आपका जो है जो
रिपोर्टर स्पीच का अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होता, तो जो फर्स्ट पर्सन का होता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन अगर आता है तो इसमें नो चेंज कर देते हैं। क्या होता है ये? नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर थर्ड पर्सन में ये रिपोर्टेड स्पीच आता है तो। तो ये ध्यान देना होगा कि हमें कैसे इसको जो है कन्वर्ट करना है। और ये जो है थोड़ा फास्ट जो है आप देखेंगे तो ये आपका सेंटेंस है। तो यू जो है आप किसके अनुसार? सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? गीता है। और गीता क्या है? थर्ड पर्सन है, सी। तो यहां पे हम क्या कर देंगे? सी कर देंगे, सी सी। अब आर है तो ये क्या है? बहुवचन का जो है वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हम क्या कर देंगे? इसको वाज में चेंज कर देंगे, वाज नॉट वर्किंग वर्किंग वेल। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज करते रहेंगे। और आप जो है अच्छे से समझिए इसको। अगर हम मान लेते हैं थर्ड देते हैं आपको, थर्ड जैसे नीलम शेड टू हिज ब्रदर, नीलम सेड टू हिज ब्रदर, नीलम सेड टू हिज ब्रदर वेयर आर यू गोइंग। अब इसमें ध्यान देना, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज है और आप एक एक सेंटेंस को देखेंगे कि किसमें कौन चेंज हो रहा है, ये विशेष ध्यान देंगे आप। और आपको जो नियम रहेंगे वो बताए जाएंगे, आपको एक एक सेंटेंस में सभी प्रकार के जो है नियम जो है आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे चेंज होते हैं। आप जैसे मान लेते हैं ये इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। अब इसको हम इनडायरेक्ट में करते हैं। अब ध्यान देना होगा कि ये जो सेंटेंस है आपका, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको क्या बना देंगे? देखिए, नीलम सेड, अब देखिए सेड टू को हम चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेड टू को क्या करेंगे? देखिए ये इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? कोई भी चीजें पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं, तो इसे देखिए हम क्या करते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या हम रिपोर्टेड स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच का जो मतलब कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसके आधार पे हम जो है इसका जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट टू रहेगा उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब सेट टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखिए जैसे यहाँ पे सेट टू को हमने क्या किया है? टोल्ड में किया है। अब हम सेट टू को क्या कर देंगे? आस्क्ड में कर देंगे, पूछा, आस्क्ड। अच्छा, जब आस्क्ड हो जाता है सेकंड पार्ट तो ये प्रीपोजिशन खत्म हो जाता है। मीन्स ये सेट टू को हम चेंज कर दिए आस्क्ड में, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, ये हर है, नीलम लड़की है, तो यहाँ पे हर कर देंगे। ठीक है, हर, तो नीलम आस्क्ड हर ब्रदर हर ब्रदर। अब ये ध्यान देना होगा कि हम ये हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो आपका इंट्रोगेटिव का जो आपका क्वेश्चन होता है डब्ल्यू एच टाइप के जो भी होते हैं उसी को हम कंजंक्शन यहाँ रख देते हैं। क्या बना देते हैं? कंजंक्शन। तो क्या हो जाएगा? वेयर। अब ये देखिए हमने क्या कहा कि जोड़ने का कोई ऐसा ऐसा आपका जो है कंजंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, अगर ये डब्ल्यू एच टाइप है
तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसी WH को जो है हम कंजंक्शन कर देंगे, बाकी जो सेंटेंस रहेगा वो अफर्मेटिव में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अफर्मेटिव में हो जाएगा। और जो टेंस रहेगा वो हम रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार, अर्थात इसके जो किस कंडीशन में है उसके अनुसार हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे व्हेयर हो जाएगा। अब देखिए व्हेयर, अब यहाँ पे यू लगा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, इसको हम इधर कर देंगे, तो यू वेयर व्हेयर यू वेयर गोइंग, तो जो है आपका जो टॉपिक, आज का जो टॉपिक है उसका जो मोटो है, अर्थात जो उसका एक इशंस है, सीक्वेंस है, वो यही है कि हम आपको मिसलेनियस जो है एक्सरसाइज, जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के जो नियम होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। अब जैसे मान लेते हैं सेंटेंस आपको एक और दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोयल शेड टू हर मदर, हर मदर, कोयल शेड टू हर मदर, डू यू डू यू सॉरी इसको कंप्लीट कर देते हैं, डिड यू कुक फूड टुडे। अब इसमें देखिए हमने आपको ये सेंटेंस एक बनाया है। देखिए ये सब जितने एक्सरसाइज रहेंगे आपको ये सेंटेंस दे रहे हैं, ये आपको जो है बुक से नहीं है, ये ऐसा ही ये आपका प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इस पे जो है आप अपने ओन माइंड पे जो है डिपेंड रहेंगे, ठीक, ना कि दूसरे पे। तो हमें देखिए अब आपको ये क्या मिल रहा है, जैसे कि कोयल सेड टू हर मदर, कोयल ने अपने जो है माँ से बोली, डिड यू कुक, क्या आपने पकाया है, या पकाया फूड टुडे, आज जो है खाना पकाया। तो अब देखिए आप इसको जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो कैसे हो जाता है, देखिए कोयल शेड, अब देखिए शेड टू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आस्क्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके, तो आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हर मदर, हर मदर। अब देखिए डिड लगा है तो इफ या वेदर लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इफ, अब वेदर लगाएंगे तो बड़ा हो जाता है, तो छोटे का ही प्रयोग करें, बड़े से कोई मतलब नहीं है, इफ लगा देंगे हम यहाँ पे इफ। अब हमने कहा है कि इसको क्या कर देंगे अफर्मेटिव में। अब ध्यान देना है कि ये डिड है ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो उसमें जो है टेंस में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये पास्ट इंडिफिनिट है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो यू का हम देखिए, यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, मदर के, हर मदर। तो यहाँ पे हमने बताया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए आप, जो यू है यू किसके अनुसार चेंज होगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन का करता है यू। तो हर मदर है तो यू को हम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, इफ
सी, इफ सी, अब देखिए डिड है तो हैड कर देंगे, हैड, इफ सी हैड कुक्ड फूड, सॉरी इनडायरेक्ट हो। अब हम यही आपको बताना चाहते हैं कि आप जब भी कीजिएगा, अगर आप एक जो है वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको सभी समझ में आ जाएंगे, जितना आपका क्वेश्चन है इसमें, जितना भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, हम आपको ये बताते चलेंगे आपको। और आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर आपका वीडियो बनता है इसमें, बनाते हैं हम, तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आपके 2 मार्क्स हैं, 2 नंबर जो मिलते हैं आपका, चाहे वो 10 का हो या 12 का, चाहे 10th का हो या 12th का हो, उसमें आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा इस पे इनडायरेक्ट क्या। देखिए आपने समझ में आ गया कि कोयल आस्क्ड हर मदर इफ सी हैड कुक्ड फूड, तो यहां पर हमने इफ कर दिया। क्यों कर दिया इफ? क्योंकि ये जो डिड है ये सहायक क्रिया से शुरू हो रही है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और हम जानते हैं कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा, वहां पर हम जोड़ने का जो कंजंक्शन होगा उसका हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान देना है आपको, हम किसमें कर देंगे चेंज इसको, इसको हम कर देंगे इफ में चेंज कर देंगे जोड़ने के लिए। और ये सेंटेंस जो है ये आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये डिड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब ये देखिए आपका जो है ये 4 जो है आपको जो है सेंटेंस बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। और ये देखिए ये इजीली आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है हम आपको जो बता रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप डे बाय डे जो है इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। और बुक्स का भी आप जो हेल्प लीजिए, क्योंकि बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और ज़्यादा वीडियो पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि केवल वीडियो से नहीं ही आते हैं, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा बुक का भी प्रयोग कीजिए, क्योंकि बुक इम्पोर्टेंट रहते हैं। जब आपको कंप्लीट नॉलेज रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अन्यथा जो है अधूरा अगर आपको नॉलेज रहेगा तो कहीं से भी आप फंस जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है आपको बता रहे हैं। तो देखिए अब सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट। द मिनिस्टर मिनिस्टर सेड सेड टू द पीपल, ठीक है, द मिनिस्टर सेड टू द पीपल, आई प्रॉमिस्ड I promises promise promise आई शेल
आई हेल्प यू। ये डायरेक्ट है तो इसको हम चेंज करते हैं। किसमें चेंज करेंगे? आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं। आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो अभी ध्यान देना है कि यहाँ पे कामा भी लगा हुआ है, तो इसे कोई मतलब नहीं है। ये अंदर का है, रिपोर्टिंग, सॉरी रिपोर्ट स्पीच का है, तो उसमें हम कुछ करेंगे नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा, द मिनिस्टर क्या हो जाएगा, टोल्ड द पीपल। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा द मिनिस्टर टोल्ड द पीपल, टोल्ड द पीपल। पीपल अब दैट का प्रयोग कर देंगे।